जम्मू में विश्वकर्मा योजना इफ्तिताही प्रोग्राम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने योजना का इफ्तिताह किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैं उन्हें इस तारीखी स्कीम को शुरू करने के लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूं, जिससे हमारे कारीगरों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को हर मुल्क के हर बाशिंदे की फिक्र है, उनका विजन माशरे के तमाम तबकात के लोगों को बाख्तियार बनाना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में कारीगरों का बहुत बड़ा किरदार है और इस स्कीम से उन्हें बावकार ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम होगी और उन्हें हुनर और इख्तिरात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर MP जुगलकिशोर शर्मा, राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना, GMC के मेयर राजेंद्र शर्मा, DDC के चेयरमैन भरत भूषण भी मौजूद रहे। MP जुगलकिशोर शर्मा और राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। PM विश्वकर्मा स्कीम के लिए उन्होंने कहा कि इस स्कीम से कारीगरों को बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कौशल योजना 1 करोड़ से अधिक, और मोदी जी ने हमें यह भी सिखाया कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं, और हम अपने आपको उस मानसिकता से मुक्त करें कि 6,000 की एक एडहॉक नौकरी के लिए हम BJP के दफ्तर में बैठ कर अपनी जवानी गवा दें। गुजरात में सिविल सर्विस का फॉर्म नहीं भर रहे बच्चे। मैंने एक विद्यार्थी परिषद को पूछा, मैं ये तो भर दो IAS का, बोले साहब 1 साल में कुछ और कर लेंगे, इसकी तैयारी में लग गया, बाद में पता नहीं बने ना बने। क्योंकि इतनी सारी योजनाएं मोदी जी ने दे दी हैं हर वर्ग के लिए, बेरोजगार हो वो भी, पढ़ा हो वो भी, अनपढ़ हो। स्टार्टअप योजना, हम मात्र 150-350 से 2014 आज बढ़ करके 1.25 लाख हो गए, और जब से अंतरिक्ष खुला है 3 साल पहले 150-150 स्टार्टअप स्पेस में आ गए, उनमें से कुछ एक एंटरप्रेन्योर बन गए। अभी आप ही के बगल में 150 किलोमीटर दूर अरोमा मिशन का जन्म भद्रवाह से हुआ, 3,000 बच्चे उससे जुड़ गए। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, अधिकतर तो ग्रेजुएट भी नहीं है उनमें से, लेकिन उनमें फोकस है, तवज्जो से काम कर रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि कौन सी सहायता लेनी है सहयोग की। सरकार उनका सामान उठा करके मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है, एक एक शीशी उनकी अदर की 15-15 हजार की बिक रही है। बंगलौर से 2 बच्चे MTech किए हुए, 1 बच्चा MBA किए, वो छोड़ करके आ गए काम करने। हर वर्ग की चिंता की गई है। आप और ये भ्रम जाता है कि मुझे कोई IT ग्रेजुएट होना जरूरी है, कि मैं कोई विज्ञानी हूं तो तभी मैं सहारा हूं। जो मेरी स्थिति है आर्थिक भी और शिक्षा के, उसके मुताबिक कोई ना कोई योजना मेरे लिए उपलब्ध।